German Shepherd versus Pitbull in Hindi by the Ultimate Channel. Please subscribe our channel to make us up and also press the bell icon for other updates. Please subscribe because we have to pay for this video. हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे जर्मन शेपर्ड वर्सेस पिटबुल के बारे में। तो जर्मन शेपर्ड वर्सेस पिटबुल के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हिस्ट्री एंड ओरिजिन। जर्मन शेपर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इन्हें एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को चराने में मदद कर सके। लेकिन आज के टाइम में जर्मन शेपर्ड को पुलिस वर्क, बॉम्ब डिटेक्शन और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस जैसे कई कामों में यूज किया जाता है। पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। इन्हें इसलिए ब्रीड किया गया था ताकि ये पिट्स में बुल, बियर और दूसरे डॉग्स के साथ फाइट कर सके विद फैमिली एंड किड्स। पिटबुल और जर्मन शेपर्ड दोनों ही अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। इन दोनों को अपने ओनर और उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चों के साथ भी आसानी से रह सकते हैं और अगर आप इन्हें बच्चों के साथ रखना चाहते हैं तो इन्हें बचपन से ही बच्चों के साथ रखें। हाइट। अगर हाइट की बात करें तो जर्मन शेपर्ड पिटबुल से ज़्यादा बड़े होते हैं। पिटबुल की हाइट 18 से लेके 22 इंचेस तक होती है और जर्मन शेपर्ड की हाइट 23 से लेके 26 इंचेस तक होती है। वेट। वेट में भी जर्मन शेपर्ड पिटबुल से ज़्यादा भारी होते हैं। जहाँ पिटबुल का एवरेज वेट 30 किलो तक होता है, वहीं जर्मन शेपर्ड का एवरेज वेट 40 किलो तक होता है। लाइफ स्पैन। पिटबुल की एवरेज लाइफ स्पैन 9 से लेके 13 साल तक के बीच होती है और जर्मन शेपर्ड की भी एवरेज लाइफ स्पैन 9 से लेके 13 साल तक के बीच ही होती है। प्राइस। जर्मन शेपर्ड का प्राइस 14,000 से लेके 18,000 तक के बीच होता है और पिटबुल का प्राइस 20,000 से लेके 30,000 तक हो सकता है। एडेप्टेबिलिटी। जर्मन शेपर्ड लगभग हर वेदर कंडीशन में रह सकते हैं, जबकि पिटबुल को कोल्ड वेदर ज़्यादा पसंद नहीं होता। जर्मन शेपर्ड और पिटबुल दोनों बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है और इन्हें रहने के लिए भी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें हमेशा बड़े साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के घरों में रखना चाहिए। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। जर्मन शेपर्ड और पिटबुल दोनों बहुत ही स्मार्टेस्ट और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, इसीलिए इन्हें ट्रेन करना आपके लिए इजी हो सकता है। लेकिन पिटबुल थोड़े एग्रेसिव होते हैं और उसे ट्रेन करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो उसके लिए आप एक डॉग ट्रेनर हायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। जर्मन शेपर्ड और पिटबुल दोनों को ही बहुत सोशलाइज करना पड़ता है, लेकिन पिटबुल को ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो बचपन से एग्रेसिव होते हैं और अपने आसपास किसी भी आने वाले डॉग को वो हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पिटबुल को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और अच्छी तरीके से सोशलाइज करते हैं तो पिटबुल की ब्रीड आपके लिए बहुत ही अच्छी कंपेनियन बन सकती है। जर्मन शेपर्ड और पिटबुल की फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप इनके साथ डिस्क थ्रो या फिर बॉल कैचिंग जैसे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और अगर आप सुबह उठ के जॉगिंग पे जाते हैं तो इन डॉग्स को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वॉच डॉग एबिलिटी। वॉच डॉग या फिर गार्ड डॉग जैसे कामों के लिए जर्मन शेपर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये पुलिस वर्क, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन और बॉम्ब डिटेक्शन जैसे कामों में भी यूज़ किए जाते हैं। ग्रूमिंग। पिटबुल को रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है और ये इजीली मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन जर्मन शेपर्ड को रेगुलरली ग्रूम करना पड़ता है। शेडिंग एंड कोट कलर। पिटबुल और जर्मन शेपर्ड दोनों के बाल शेडिंग सीजन के दौरान झड़ते हैं और जर्मन शेपर्ड के बाल ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि इनका लॉन्ग कोट होता है, तो शेडिंग सीजन के दौरान आपको घर में जर्मन शेपर्ड के बहुत बाल मिलेंगे, इसलिए इन्हें शेडिंग सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। जर्मन शेपर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, रेड एंड ब्लैक, ग्रे और सेबल जैसे कई कोट कलर में पाया जाता है और पिटबुल भी ब्लैक, वाइट, रेड, ब्राउन और ब्रिंडल जैसे कई कोट कलर में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड जर्मन शेपर्ड वर्सेस पिटबुल के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।